फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केयर दी थ्री ड्रॉप्स के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी लेके आ सकूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप हमारी पूरी वीडियो को देख कर जानकारी प्राप्त कर सके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही बताई थी कि आज हम बात करेंगे केयर दी थ्री ड्रॉप्स के बारे में, तो सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड्स इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो कोलेकैल्सिफेरॉल अर्थात विटामिन D3। अब हम जानेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये छोटे बच्चे को दिया जाता है उसका मूड को ठीक करने के लिए, हृदय रोग से मतलब बचाने के लिए, फिर जा करके आपका जो है रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने के लिए अर्थात इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी जो होता है ना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए फिर जा करके कैंसर से बचाव के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका हम बेनिफिट्स जान गए। अब हम जानेंगे इसका डोज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका जो डोज है वो है 0 से 1 ईयर तक के बच्चों के लिए। इसका जो है डोज वो है 400 इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद 1 ईयर से 70 ईयर तक के लिए है इसका 600 इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद 70 ईयर से जो ऊपर एज वाले होते हैं उनके लिए है 800 इंटरनेशनल यूनिट। तो फ्रेंड्स, अब हम जान गए इसका डोज। अब हम जानेंगे इसका रूट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये ड्रॉप्स है इसलिए इसका रूट होगा ओरल। तो अब हम जानेंगे इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ कॉमन है फ्रेंड्स, जैसे कि एलर्जी होना, चेहरे, गले, जीभ आदि पर सूजन हो जाना, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई होना, फिर जा करके दिल की धड़कन अनियमित हो जाना अर्थात बढ़ जाना, कभी कम हो जाना। फ्रेंड्स, ये सब इनके साइड इफ़ेक्ट हैं। यदि आप इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स यदि आपको दिखे तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, और यदि जिस डॉक्टर की सलाह से आप ये मेडिसिन को ले रहे हैं अगर वो नज़दीक में है तो उन्हीं से सलाह ले लें फ्रेंड, तब तो और भी बेटर होगा। और फ्रेंड, जब भी इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले उसको अच्छे से सेक कर लेंगे, अर्थात दवा के बोतल को अच्छा से ऐसे ऐसे करके मिला लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद ड्रॉप्स को यूज करेंगे, मतलब बच्चे को देंगे। उसके बाद जब भी इस्तेमाल करते हैं उसके बाद ढक्कन को पूरे टाइट से बंद करना है फ्रेंड्स, ताकि उसमें हवा ना लगे। तो हो गया फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे ये कितना ml का है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, 30 ml का है, और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे फ्रेंड्स, आपको कोई भी मेडिकल से आप ले सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका प्राइस जो है 78.90 अर्थात 79 लगभग दवा का प्राइस जो है फ्रेंड्स, कंपनी के आधार पर थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, मतलब एक हम एवरेज आपको बता दिए लगभग। तो अब फ्रेंड्स बता दूं मैं कि जब भी आप मेडिसिन लेते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट ज़रूर देख ले। हो सकता है कि दवा देने वाले से मिस्टेक हो जाए, पर लेने वाले को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि अच्छे से दवा ले सके। और फ्रेंड्स, जब भी कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें तो पता ही है कि डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोल दूँ कि इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह से ना करें फ्रेंड्स, डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करें। आई होप आज का हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा।